आ गए आप लोग। तो कैसे हो आप लोग यार, पहले मुझे ये बताओ, आई होप आप लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे होंगे। अगर अच्छे हो तो प्लीज कमेंट में एक बार थम्स अप जरूर कर देना। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक अपना सर्वर आने वाला है वैम्पायर SMP, जिसका नाम VSMP करके कुछ होगा, लेकिन हाँ ओरिजिनली ये वैम्पायर SMP होने वाला है। तो गाइस, बहुत लोगों का मुझे पता है क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मैंने इसे पहले भी 2-3 बार ओपन किया है। तो भाई हर लोगों का क्वेश्चन होता है, भाई मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा, किसी को पीछे नहीं छोड़ने दूंगा। तो फिर कैसे ज्वाइन करना है आखिर आपको ये SMP, इसके लिए तो भाई वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर चैनल पे नहीं हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अब देखो, किसी भी लाइफ स्टाइल सर्वर को ज्वाइन करने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, तो इसके भी कुछ क्राइटेरियाज है। हो सकता है वो क्राइटेरिया थोड़ा सा हार्ड हो, लेकिन हाँ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब देखो, हमारे सर्वर में जनरली 5 क्राइटेरिया को पूरा करना है, आप लोग सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 1 का क्राइटेरिया है एडिटिंग। देखो भाई, आप लोग की एडिटिंग एवरेज से थोड़ी सी ऊपर तो होनी चाहिए। अब देखो, मैं ज़्यादा डिसेंट एडिटिंग भी नहीं करता हूँ और ज़्यादा नॉर्मल भी एडिटिंग नहीं करता, तो आप लोग ऐसी एडिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर साउंड इफेक्ट्स और वगैरह वगैरह का यूज़ करोगे तो भाई इससे अच्छा और क्या ही होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया है वो है स्टोरी टेलिंग। देखो गाइस, आप लोगों में एक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे से होना चाहिए कि आप लोग स्टोरी कैसे बना सकते हो। अब देखो, स्टोरी बनाने में आई नो आप लोग माहिर हो गए, लेकिन आप लोगों को स्टोरी को कुछ इस तरीके से बताना है जिससे कि लोग आपकी बनाई हुई स्टोरी से रिलेट कर पाए। अब देखो, हर लोग ये वीडियो तो डाल देते हैं, हाउ आई डिस्ट्रॉयड द होल बेस, हाउ आई स्टोल हिज डायमंड चेस्ट वगैरह वगैरह, बट आपको अपने थंबनेल के साथ साथ अपनी क्वालिटी भी इस तरीके की रखनी है जिससे कि लोग आपसे इंगेज कर पाए। आपकी हर एक वीडियो में एक स्टोरी होनी चाहिए, अगर आप लोग ये कर सकते हो तो आपका सर्वर में मोस्ट वेलकम। तो हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है थंबनेल। अब देखो, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों का थंबनेल बहुत ज्यादा ऑसम रहता है, तो मुझे इसके बारे में आप लोगों को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक ट्रिक जरूर देना चाहूंगा, एक टिप देना चाहूंगा बस, कि आप लोग कैसे भी करके अपने थंबनेल में खुद के कैरेक्टर को 1/3 में रखिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका कैरेक्टर सिर्फ 1 हिस्से में होना चाहिए, बाकी 2 हिस्से में जो आपको होना चाहिए ना, वो मेन स्टोरी बतानी चाहिए आपकी। थंबनेल में खुद एक स्टोरी होनी चाहिए जिससे कि लोग ना चाहते हुए भी उस थंबनेल पे क्लिक कर ही दे। अब भाई, थंबनेल बनाने में आप लोग मुझसे ज्यादा एक्सपर्ट हो तो आप लोग थंबनेल तो बना ही लोगे, मुझे आप पे इतना यकीन तो है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है वॉइस क्वालिटी। अब देखो गाइस, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वॉइस की प्रॉब्लम तो भाई आप सभी को होगी। बाय द वे, मैं बकायदा बोया Y1 माइक यूज करता हूँ, बट स्टिल मेरे वॉइस क्वालिटी उतनी ज्यादा ऑसम नहीं आती है, बिकॉज मुझे पता है कि हम लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे गाड़ी बाइक की आवाज आना बिल्कुल ही नॉर्मल बात है। तो मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि आप लोगों को वीडियो की वॉइस क्वालिटी ठीक करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी। लेकिन हाँ, मैं प्लीज आप लोग से इतना रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ कि इतनी भी गंदी क्वालिटी मत रखना कि भाई लोगों को वॉइस समझ में ना आए, क्योंकि भाई वीडियो का परफॉर्मेंस वॉइस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब चलो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ जो है एक्टिवनेस। अब देखो गाइस, आप लोगों का एक्टिव होना तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैंने बहुत बार पहले बनाया, भाई मैं देखता था जब भी मैं सर्वर जाता कोई ऑनलाइन ही नहीं होता था भाई। लेकिन भाई देखो, इस बार ऐसे नहीं चलेगा, इस बार मैं सर्वर का ऑनर तो नहीं हूँ, बेसिक मतलब ऑनर तो मैं ही हूँ, लेकिन फिलहाल सर्वर के ऑपरेटर सब किसी और प्लेयर के पास है। वो आपको एपिसोड बाय एपिसोड पता चल जाएगा कि वो प्लेयर कौन है, लेकिन अभी मैं फिलहाल नहीं बता सकता। तो वो जैसे ही आप लोगों को एक्टिव नहीं देखेगा, वो आप लोगों को सर्वर से रिमूव कर देगा भाई, आप लोगों को वाइट लिस्ट से हटा देगा वो। तो फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी स्थिति आए, यानी कंडीशन आए, तो आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करना उस सर्वर में। एंड या इस समय के लिए तो बस इतना ही था क्राइटेरिया, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऐड और करना चाहूँगा। अब देखो गाइस, आप मेरे पता है आप लोग कहोगे भाई ये तो क्राइटेरिया पे क्राइटेरिया ऐड करा जा रहा है, लेकिन ये भाई क्राइटेरिया नहीं, आप इसको एक टाइप का ट्यूटोरियल या फिर अपने लिए टिप समझ लो। अब देखो यार, चैनल ग्रो करने का एक सबसे मस्त ट्रिक होता है कि आप लोग वीडियो जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी डालने की कोशिश करना। 2 या 3 मिनट की वीडियो तो भाई मुझे नहीं लगता आप लोग की वीडियो कोई भी देखेगा। तो गाइस, कम से कम 5 से 6 मिनट की वीडियो तो बनाने की कोशिश करना है, बिकॉज यूट्यूब पे ग्रो होने का एक सीक्रेट यही है कि लॉन्ग वीडियो बनाओ। जितना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा उतना ज़्यादा ऑडियंस आपके चैनल पे अट्रैक्ट होगी, यूट्यूब खुद उतने ज़्यादा लोगों को प्रमोट करेगा। तो आप लोगों से बस मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ी सी वीडियो की लेंथ तो लंबी रखना ही। एंड यस, अब क्राइटेरिया का पूरा लिस्ट समाप्त हुआ। अब चलो मैं थोड़ा आपको वैम्पायर SMP के बारे में बता ही देता हूँ। वैम्पायर SMP वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड SMP होने वाली है। आज तक आप लोगों ने क्राफ्टमैन हिस्ट्री में जितनी भी एडवांस SMP देखी है ना, तो वैम्पायर SMP उन सभी से ज़्यादा एडवांस होने वाली है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है वैम्पायर SMP में? तो सबसे पहली चीज़ तो है हार्ट स्टील का
प्लगइन, मतलब सॉरी हॉटस्टार का प्लगइन तो हर एक सर्वर में मिल ही जाता है आप लोगों को आजकल, लेकिन हमारे सर्वर में जैसे कि आप लोगों को पीए नेटवर्क में देखने को मिला था, हम लोग अपना हॉट विथड्रो करके किसी और को दे भी सकते हैं अगर उसे जान से नहीं मारना चाहते तो आपको ये भी सेम टू सेम ऑप्शन मिल जाएगा पीए नेटवर्क और सॉरी वैम्पायर एसएमपी में। एंड इसके अलावा जो एक और मस्त चीज है वो है टोटम ऑफ अंडाइंग, इसके अलावा इलाइट्रा, इसके अलावा भी और चीज़ें जैसे कि पूरी की तरह से हमारा ड्यूप बैन है इस सर्वर में। भाई आप लोग ड्यूप करना तो दूर यहाँ पे हॉपर तक प्लेस नहीं कर सकते। तो गाइस आई नो एपिसोड बाय एपिसोड आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी ना इस सर्वर में, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने किसी भी एसएमपी में आज से पहले वैसी चीज़ देखी होगी। तो फिर इससे ज़्यादा और मैं क्या ही लीक दूँ यार, बाकी का आपको एपिसोड के बाद पता चल ही जाएगा। एंड मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो बनाओगे, बहुत अच्छे से एडिट करोगे एंड एसएमपी में आने की पूरी कोशिश करोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा सैड न्यूज़ भी दे दूँ कि गाइस आप लोग जानते हो हमारी 5,500 लोगों की फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, इसमें से हम सिर्फ 15 से 20 बंदे को ले सकते हैं। मतलब सोचो 5,500 में से सिर्फ 15 या 20 बंदे आ सकते हैं इस सर्वर में, तो आपको किस लेवल की एडिटिंग करनी है वो तो आप लोग खुद ही सोच लो। तो आई होप आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक एक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इससे ज़्यादा मैं और बकवास नहीं करना चाहता, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाऊंगा ये वाली। एंड या ये वीडियो की लेंथ मैं खुद जानता हूँ बहुत कम रख दी है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय एंड सी यू फ्रेंड्स।